अशोक लाट अनशन स्थल में कलमकारों ने देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे समाजवादी विचारक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आज मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के अशोक लाट अनशन स्थल पर 15 दिनों से जिला व पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए कलमकारों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कलमकार पिछले 15 दिनों से अपने साथी कलमकारों के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। कलमकारों की मांग है कि जिला व पुलिस प्रशासन ने खनिज माफियाओं के साथ में मिलकर उनके 7 साथियों के ऊपर शासन के नियमों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है, जो कि सरासर गलत व अन्याय के खिलाफ है। बताते चलें कि 17 दिन पहले नारायणी तहसील क्षेत्र की लहुरेटा खदान की खबर कर रहे पत्रकारों पर खदान माफियाओं से मिलकर नारायणी सीओ एवं नारायणी के कोतवाली निरीक्षक के द्वारा बिना किसी जाँच पड़ताल के रंगदारी जैसे संगीन मामलों में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था, जिसको लेकर कलमकार क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आज कलमकारों ने पत्रकारों के हितैषी रहे समाजवादी विचारधारा के नेता मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नाम है भैया? के दीक्षित नाम। किस तरह का कार्यक्रम था आज? आज माननीय मुलायम सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी है और उनको नमन किया है, याद किया है कि धरती पुत्र के नाम से विख्यात नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने का समारोह और कार्यक्रम किया अशोक लाट पे हम लोगों ने किया।